बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम हज़रत मूसा मुबारका के मज़ार पर मौजूद हैं, जिस मज़ार को कुम में चहल अख्तरान भी कहा जाता है। हज़रत मूसा मुबारका इमाम हादी अलैहिस्सलाम के भाई और इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, जो कि 214 हिजरी कमरी में मुतवल्लिद होते हैं। मदीना में इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की एक खातून के साथ शादी होती है, जिनका नाम हज़रत समाना खातून था। हज़रत समाना खातून एक बहुत ही बातकवा और बहुत ही बापरहेज खातून थी, जिनके बारे में खुद इमाम फरमाते हैं कि ये खातून जन्नत में सिद्दीकीन और सालिहीन की मादर ग्रामी शुमार की जाएगी। एक मरतबा इमाम जवाद अलैहिस्सलाम मदीना से बगदाद की तरफ जा रहे होते हैं और अपने फर्जंदान की तरफ तशरीफ़ फरमा होते हैं और ये फरमाते हैं कि मुझे बताइए कि वहाँ से वापसी में आपके लिए सौगात में क्या लेकर आऊँ। इमाम हादी अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि बाबा जान, आप मेरे लिए एक ऐसी तलवार लेकर आइएगा जिसकी धार बहुत तेज़ हो। लेकिन हज़रत मूसा मुबारका ये फरमाते हैं कि मेरे लिए अस्प सवारी लेकर आइएगा। वहाँ पर इमाम जवाद अलैहिस्सलाम उनके लिए ये फरमाते हैं कि हादी बिल्कुल मुझ पर गए हैं और मूसा मुबारका बिल्कुल अपनी मादर ग्रामी पर गए हैं। यानी ये कि मूसा मुबारका जोहद में, तकवे में और परहेजगारी में बिल्कुल अपनी मादर ग्रामी से तशबीह रखते हैं। السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين। आपकी दयालुदारी के आलम तक इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ने इमाम हादी अलैहिस्सलाम के बाद तमाम तर सदक़ात और मौकूफ़ात की मसूलियत आपके सुपुर्द की। आपकी ज़िंदगी का एक और पहलू ये था कि आप मुहद्दिस और रावी हदीस भी हैं। सिकतुल इस्लाम कुलैनी अपनी किताब अल काफ़ी में, शेख तूसी अपनी किताब तहज़ीबुल अहकाम में, शेख मुफीद अपनी किताब अल इख्तिसास में और इबन शोबा अपनी किताब तोहफ़ल उकूल में आपसे बहुत सारी रिवायात नकल करते हैं। इन उलमाए किराम का आपसे इस तरह से रिवायत को नकल करना आपकी विसाक़त को साबित करता है। तारीख़ कुम में वारिद हुआ और अक्सर मुअर्रखीन का इत्तेफ़ाक़ है कि 256 हिजरी कमरी 42 साल की उम्र में आप कूफा से कुम तशरीफ़ लाए। जब आप वारिद कुम हुए तो आपने अपने चेहरे को एक कपड़े से ढांप लिया। कुम में अरब मुकीम रुआसा ने आपको कुम ठहरने की इजाज़त नहीं दी। आप कुम से काशान की तरफ हिजरत कर गए। कुछ अरसा गुजरने के बाद जब कुम के शुराफा और अली बिन आदम अशअरी मुतवज्जह हुए कि आप काशान में हैं, तो आपसे काशान में मुलाकात के लिए गए और आपको अदब और एहतराम के साथ कुम लाया गया और कुम में आपके लिए घर का अहतमाम किया गया और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए आपकी सपुर कुछ ज़मीनें की गईं कि जिनके ज़रिए से आप अपने ज़िंदगी के अखराजात को पूरा करते। 296 हिजरी कमरी में 82 साल की उम्र में आप दुनिया से रुखसत हुए। आपकी कब्र मुबारक शहर मुक़द्दस कुम के महल्ला चले अख्तरान में वाक़ है। आपकी ज़ियारत के उनवान से उलमा बुज़ुर्गान ने बहुत ताकीद फरमाई है, जिनमें से आयतुल्लाह बरुजर्दी, आयतुल्लाह मरेशी नजफ़ी और आयतुल्लाह बहजत ने आपकी ज़ियारत की ताकीद फरमाई। और मैं अपने नाज़रीन मोहतरम से इल्तिमास करूँगा कि जब भी शहर मुक़द्दस कुम में हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत से मुशर्रफ हों तो हज़रत मूसा मुबारका की ज़ियारत और चहल अख्तरान की ज़ियारत की सआदत भी ज़रूर हासिल फरमाएँ। और इसके साथ ही मैं बेमुनासिबत रहलत हज़रत मूसा मुबारका आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में और बिलख़स वली खुदा साहिब असर वज़मान की खिदमत में ताज़ियत अर्ज़ करता हूँ और दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम हमें आइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम के सही मानों में चाहने वालों में से करार दे। इलाही आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أهلها جناب موسى مبارکہ
ख़ानदान इसमत तहारत की एक ऐसी हसीन हस्ती कि जिनको देखकर मुझे करबला के एक हसीन की याद आती है कि उसके गरीब बाबा ने अपने कड़ियल जवान के लाशे पर किस तरह फरियाद बुलंद की होगी, मौला ने अपने कड़ियल जवान का लाशा किस तरह उठाया होगा, शायद मौला ने कुछ यूँ फरियाद बुलंद की हो। अकबर तुम्हारा बाबा इतना गरीब था, घुटनों पे चल रहा था, इतना गरीब था, खींची थी मैंने बरछी जिस दम तेरे जिगर से, ए काश देखता तो कोई मेरी नजर से, घुट घुट के मर रहा था, घुट घुट के मर रहा था, इतना गरीब था। अकबर तुम्हारा बाबा इतना गरीब था। सुना खेती तेरे सीने से, मैं उसी लम्हे हो गई बेजा, मेरे एक बेजा तुझ पे मां कुर्बान, अपने बच्चों को कब वो रोती है, तुझ पे रोती है ज़ैनब ज़िशान, ऐ मेरे एक बेजवान तुझ पे मां।